कन्वर्जन ऑफ नंबर फ्रॉम बेस 10 टू 5 सिस्टम एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मींस कि आपने दोबारा 5 सिस्टम से बेस 10 सिस्टम में जाना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं जी। जैसे 27 है और ये नंबर है बेस 10 का, अब इसे मैंने बेस 5 में लेके आना है। तो सबसे पहले मैं इस नंबर को जरा समझूंगा कि ये बेस 10 में क्यों लिखा गया है। तो इसमें देखें, जैसे जिस बेस में आपने नंबर को लेके आना है, आपने उस नंबर को उस बेस वाले नंबर से डिवाइड करना होगा। ठीक है, जैसे मैं 10 से डिवाइड करता हूँ। अब देखिए, 10 के टेबल में 2 से मल्टीप्लाई करने से 20 आता है। इसका रफ वर्क भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 20 आ गया और डिफरेंस आ गया 7। अब देखिए, क्वोशंट और रिमाइंडर दोनों ही ऐसे डिजिट आए हैं जो कि 10, मतलब 10 से लेस है। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पर हम 2 लिखेंगे जो क्वोशंट है और जो 7 है रिमाइंडर, उसको ऐसा लिखेंगे। तो अगर फर्ज करें ये 2 ना आता, ये मतलब कोई ऐसा डिजिट आता या कोई ऐसा नंबर आता जो 10 से बड़ा होता, तो हम इसको मजीद डिवाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर ये हुआ है कि ये चूंकि अब स्मॉल आ गया है 10 से, तो इसका मतलब कि अब ये 10 बेस में तब्दील हो चुका है। और ये आप देख सकते हैं कि इसमें 2 जो होगा वो 10 प्लेस पे आएगा और 7 जो है वो यूनिट प्लेस पे आएगा। ठीक है, जो कि हम इस तरह से इसको इसकी रेंजमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ से पता चल रहा है कि जो बेस 10 सिस्टम है उसमें जो आने वाले 10 डिजिट है उसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 है। अब जब हम इस नंबर को बेस 5 सिस्टम में ला रहे होंगे तो जाहिर बात है कि हम 5 पे डिवाइड करेंगे और हमारा जो क्वोशंट और रिमाइंडर होना चाहिए, मतलब उस वक्त तक हम इसको डिवाइड करते रहेंगे कि जब तक कि हमारे क्वोशंट और जो रिमाइंडर्स आएंगे वो 5 से लेस हो। ठीक है, तो इसका मतलब कि उसमें फिर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2, 3 और 4, ये वो डिजिट्स हैं जिन जो के उस नंबर को बनाएंगे जो बेस 5 सिस्टम में होगा। ठीक है, यानी इस बात को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे कि देखें, ये मैंने 27 लिखा। ठीक है, अब मैं इसे बेस 5 में लाना चाह रहा हूँ, तो मैं 5 से डिवाइड करना शुरू करूंगा। हम जानते हैं कि 5 के टेबल में 5 से मल्टीप्लाई करने से 25 आता है, जो कि इन दोनों का डिफरेंस अगर देखें तो 2 रह जाता है। ठीक है, मतलब 27 के नियरेस्ट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्वोशंट जो 5 है और यहाँ पे हम लिखेंगे रिमाइंडर। रिमाइंडर तो और मतलब लाजमी 5 से लेस ही आएगा। क्वोशंट मैंने कहा था कि हो सकता है कि वो मतलब डिवाइजर से उसके इक्वल आए, उससे ग्रेटर हो, या उस अब इसमें चूंकि बराबर आ गया इसका तो मजीद डिवाइड करना है हमने। ठीक है, अब 5 को 5 पर डिवाइड करें तो 1 क्वोशंट आएगा और रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसका मतलब अब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन और रिमाइंडर जो आए हैं हमारे वो 5 से लेस आ गए हैं डिजिट्स। मतलब तो अभी तो ये नंबर हैं लेकिन ये सिंगल जो नंबर हैं ये डिजिट्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि 27 को अब हम बेस 5 में ला चुके हैं। इसमें इसका जो तरीकाकार है वो ये होता है कि हम यहाँ से जो क्वेश्चन है उससे फर्स्ट रिमाइंडर की तरफ चलते हैं और जो हमारा क्वेश्चन आएगा, मतलब जो ये 1 था ये क्वेश्चन था बेसिकली, ये 5 की मतलब हाईएस्ट एक्सपोनेंट के साथ लिखा जाएगा। यहाँ से अगर हम गिने तो ये 5 की पावर 0 का मतलब की प्लेसमेंट पे आएगा, ये 5 की 1 पावर 1 की प्लेसमेंट पे आएगा और ये 2। तो इसका मतलब ये 25 प्लेस पर है, 0 जो है ये 5 प्लेस पर है और 2 जो है ये यूनिट प्लेस पर है बेस 5 सिस्टम में। तो इस तरह से ये जो इनकी प्लेसमेंट है वो भी मैंने यहाँ पे आपको बताई, इसको मैं लिख भी देता हूँ कि ये यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होता है वो 10 पावर 0 से मल्टीप्लाई होगा। अगर बेस 10 में हम है, जो 10 प्लेस पे होगा वो 10 पावर 1 से। इसी तरह यहाँ पे 5 बेस में है तो 5 पावर 0 से इस 2 ने मल्टीप्लाई होना है, 5 पावर 1 से इस 0 ने और 5 पावर 2 से इस 1 ने। और इसी तरह अगर और भी डिजिट होते तो एक एक एक्सपोनेंट जो है वो हम बढ़ाते चले जाते हैं। ठीक है जी, बात क्लियर होगी। अब वाइस वर्सा की बात करते हैं, चूंकि हमने बेस 5 से वापस बेस 10 के सिस्टम में जाना है, तो इसमें अब हम ऐसा करते हैं कि ये नंबर लिखते हैं 102 विद बेस 5। इसको 102 नहीं पढ़ा जाएगा, ये याद रखें, वो बेस 10 में हम पढ़ते हैं, इसमें 102 पढ़ेंगे हम। अब देखें, इसमें 1 मल्टीप्लाई, जैसे मैंने कहा कि 5 पावर 2 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 0 जो है, चूंकि इकट्ठा करना है हमने सारा जो भी ये नंबर है, इसकी जो हम कह सकते हैं पार्ट्स बनेंगे सारे इकट्ठे करके फिर हमने टोटल करना है कि क्या बना। और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 0, तो ये 5 पावर 2 होती है 25, 1 मल्टीप्लाई बाय 25, 25 आ जाएगा। 5 पावर 1 5 होती है, 0 मल्टीप्लाई बाय 5 0, और 5 पावर 0 1 होती है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2। तो ये देख सकते हैं आपके ये 27 ही बना है बेस 10
10 के सिस्टम में। तो इस तरह से हम एक डिजिट जो सॉरी एक नंबर है जो कि बेस 10 में होगा उसको 5 में ला सकते हैं, और अगर वो 5 बेस में है तो उसको 10 बेस के सिस्टम में लाया जा सकता है।